की डीसी न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नाबालिग से बलात्कार, पुलिस में मामला दर्ज, कार्रवाई शुरू। दमों में सर्दी का टॉर्चर, तो भाई घने कोहरे के कारण लोग हो रहे परेशान। नाबालिग के हाथ में फटा बम। क्रिसमस पर्व पर दमों के चर्च भवन में की गई विशेष आराधना, एक दूसरे को दी गई शुभकामना। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से, खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमों तेहा थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत आने वाले बाड़ाकोट चौराहे की, जहां पर बीती रात एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। बताया जाता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में प्यार भरा हुआ था, जब वह जा रहा था बीच रास्ते में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की जो विद्युत लाइनें होती हैं उनसे वह टकरा गया, जिसके बाद प्यार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से किसी तरह से ट्राली और ट्रैक्टर को सुरक्षित बचा लिया गया है। बताया जाता है कि घंटों तक ही आग लगी रही। स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास किया, एक युवक के द्वारा ट्रॉली को चलाया गया, जिसके बाद उसके द्वारा किसी तरह से इस ट्रॉली में जो प्यार भरा हुआ था उसे खाली कर दिया। और गनीमत यह रही कि ट्रैक्टर ट्रॉली और ड्राइवर सुरक्षित रहा। यह जो ट्रैक्टर है वो बिजौरी के किसी यादव परिवार का बताया जा रहा है, जो कि प्यार लेने के लिए गया था, तभी ये हादसा हुआ। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज, दबाओ। सर्दी के टॉर्चर से लोग परेशान हो रहे हैं। जहां तेज ठंड हो रही है तो वहीं दूसरी ओर घना कोहरे से भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दमोह शहर में इस सर्दी का सबसे घना कोहरा देखा गया। विजिबिलिटी काफी कम रही। बताया जाता है कि महज 5 मीटर ही विजिबिलिटी रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। सुबह से लोग वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे थे ताकि वाहन दुर्घटना न हो। काफी मुश्किल से लोग सफर कर पा रहे थे। वहीं देखा जाए ठंड तो लगातार तापमान में गिरावट अब नजर आ रही है। लोग ठंड से परेशान नजर आते हैं। सुबह जो लोग घूमने जाते हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वैसे भी डॉक्टरों के द्वारा लोगों को एडवाइजरी दी गई है कि ज्यादा ठंड पड़ने पर सुबह जल्दी न उठें। सुबह किस तरह से कोहरा रहा है, क्या ठंड में शहर का आलम रहा, आइए आपको दिखाते हैं। आज दमोह में लगभग 8:30 बजे का समय है और आप देख पा रहे हो इतना कोहरा छाया हुआ है। यह ठंड इस मौसम का पहला कोहरा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में दमोह में और कोहरे के साथ साथ बहुत ठंड पड़ने वाली है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़।
दबाओ। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक नाबालिग जो कि बकरी चराने के लिए जंगल गई थी, बताया जाता है कि वह तिदनी की रहने वाली है, जमुनिया बकरी चराने गई थी। इसी बीच उसे एक बॉल दिखी, उसके द्वारा इस बॉल से खेलने का प्रयास किया तो अचानक से ब्लास्ट हो गया। बताया जाता है यहाँ पर देसी सुअर मार बम जो होते हैं, हथगोले जिन्हें बुंदेलखंड में कहा जाता, वह यहाँ पर पड़ा हुआ था, जिससे बच्ची खेलने का प्रयास कर रही थी। बच्ची को ये जानकारी नहीं थी कि इसमें विस्फोट हो सकता है, उसके दोनों हाथों में काफ़ी गंभीर चोट आई है। ऐसा भी हो सकता है किसी शिकार के लिए रखा गया हो, जंगली जानवरों के शिकार के लिए ये बम यहाँ पर रखा हो। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है, हालांकि पुलिस की ओर से अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि क्या कार्रवाई की जा रही है। दादा क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। क्या हो गया बच्ची को? बम विस्फोट हो गया। क्या कर रही थी बच्ची? बकरी चला रही थी खेत के बाहर, दमों के ज्यादा रख लेना है कि रख लिया कोई, थोड़ा पूरा हुई है वो मिले चाचा। तो ये घटना कहाँ की है? जमुन में। बच्ची बकरिया चराने गई थी। हाँ। क्या नाम है बच्ची का? सुभानी। सुभानी। कौन है आपकी? मोड़ी। रहने वाली कहाँ की है? तिनिनी की। तो बम कहाँ से आ गया वहाँ पे? पता जहाँ से आ रहा। तो बच्ची ने क्या कर लिया? उठा लिया था। अच्छा उठा हो जा जो कछु करो। तो हाथ में फट गया? हाँ, थोड़ा हाथ में ऐसे। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़। दमोह जिले के तेजगढ़ थाने के मलिया चौकी अंतर्गत एक काफी बड़ी घटना सामने आई, जहां पर नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ है। जी हां, 15 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला हुआ है, जिसके बाद नाबालिग के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया और उसे जिला अस्पताल में लाश के लिए दाखिल किया गया है। मलिया चौकी अंतर्गत ये घटना सामने आई है। 15 वर्षीय नाबालिग को हवस का शिकार बनाया गया है, जिसे पुलिस गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है। चौकी प्रभारी आनंद अहरवाल आरोपी के पीछे बताए जा रहे हैं कि जल्द ही उसे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। पहले एक महिला की लाश पल्ली में लिपटी हुई मिली, दमोह देहात थाने का ये मामला था, और अब एक बलात्कार का मामला सामने आया है। कौन करता परेशान? लड़का है ना एक पास में, तो वो भी परेशान कराते बच्ची। हम लोग घर पे नहीं आते, हमारे साथ घटना, हम लोग कार्यक्रम में गए थे थोड़ी दूसरे गाँव, तो घर पे हम लोग रहते ना, पति ना है तो पत्नी, हम लोग कोई ना, हमारी पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, ना हम थे। तो घटना जो कछु हुई सो हमें मालूम नहीं है भाई साहब। मैंने जब गांव के लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ में घटना, घर में लड़की ने दबाव खा ली, तो हम लोग दौड़े, फिर एम्बुलेंस करके इधर में आ गए ले गए। क्या बताया गया है हमको? तो यही बताया कि ऐसा गलत काम हुआ, कहीं ऐसा रहता, वो डॉक्टर लोगों को बताया, हमको कोई पता नहीं। हम तो बचाने के चक्कर में बच्ची के लाने अस्पताल लेके आ गए। रिपोर्ट दर्ज कराई है? रिपोर्ट दर्ज कराई है सर, एमएलए थाना से। क्या आरोपी की जानकारी लिए, कौन है आरोपी? आरोपी वही तेजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जिसके अगेंस्ट में FIR पंजीबद्ध की गई। किन मामलों में दर्ज हुआ है मामला, किन धाराओं में? 376 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था। आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमा में उपस्थिति में संपन्न हुआ। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने नव निर्वाचित 18 विधायकों को कैबिनेट मंत्री, 6 विधायकों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रदेश सरकार में दमोह जिले से 2 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें लखन पटेल एवं धर्मेंद्र लोधी शामिल है। वहीं दमोह सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो कि नरसिंहपुर से विधायक हैं, उन्हें भी मंत्री पद से नवाजा गया है। ऐसे 3 चेहरे हैं जो दमोह से थे, उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है। निश्चित रूप से दमोह का विकास होगा। लखन पटेल और धर्मेंद्र लोधी और जवेरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे में दमोह जिले का निश्चित रूप से विकास होगा। लगातार लोगों को इंतजार था कि मंत्री पद किसे किसे मिलता है, दमोह जिले से 2 लोगों को मंत्री पद मिला है। पथरिया विधायक लखन पटेल और चबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी पहली बार मंत्री बने हैं। लगातार इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी, पहले भी लगातार उनके द्वारा काम किए गए हैं।
लखन पटेल पिछले दो दिनों से लगातार क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे थे। वहीं लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि दमोह को इस बार मंत्रिमंडल में विशेष जगह मिलेगी। कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टर मोहन यादव की इस सरकार में दमोह से दो मंत्री हैं। सभी को शुभकामनाएं। दमोह जिले के तेजगढ़ थाने की मलिया चौकी अंतर्गत बीती रात एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां दो टू व्हीलर आमने सामने टकरा जाने से चार लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि हिनौता से एक परिवार लखलका टोली जा रहा था कि बीच रास्ते में सामने से आ रहे बाइक सवार से बाइक टकरा गई। दोनों बाइक के आमने सामने टकराए जाने से चार लोग घायल हो गए, काफी गंभीर रूप से चोटिल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। घायलों में एक महिला भी शामिल है। ये क्या नाम है आपका? हमारी क्या हो गया इनको? एक्सीडेंट। कहाँ हो गया एक्सीडेंट? नेमलिया के पास। ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये मोरी का। कहाँ जा रही थी ये? लखलका जा रही थी। अच्छा, हिनौती गई थी लखलका। तो घटना कहाँ पे घटी? नेमलिया के और समझा। अच्छा, काय से टक्कर हो गई? एक मार का गाड़ी में। ये काय से थी? और ये मोटरसाइकिल, वो भी मोटरसाइकिल थी, ये जीपी और जीप ना। अच्छा, टू व्हीलर टकराई। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत राजलवाड़ी से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक के द्वारा धोखे से कीटनाशक डालने वाले गिलास में पानी पी लिया गया, जिसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया है। युवक के द्वारा बताया गया कि वह अपने खेत पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था, इसी बीच तेज प्यास लगने पर उसके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और उसी गिलास में पानी पी लिया गया, जिसके बाद युवक की स्थिति बिगड़ी और उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। उमेश पटेल युवक का नाम बताया जा रहा है। ये क्या नाम है आपका? उमेश। क्या हो गया? दवाई डल रही थी, सो गिलसा से डल रही थी, सोने गए ध्यान ना दो, सुन लो पानी पी लो। अच्छा, दवाई से। कहाँ के रहने वाले हो आप? राजलवाड़ी। कहाँ के? राजलवाड़ी। क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? हम शिफ्ट बंद कर गए थे। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत किले खदान से एक मामला सामने आया है, जहाँ पर एक 18 वर्षीय युवती के द्वारा अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। परिवार के लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि आखिर इस तरह का कदम युवती के द्वारा क्यों उठाया गया है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। भैया, क्या नाम है आपका? तुलसीराम। क्या हो गया इसको? वो दवाई पी ली है। क्यों पी ली उसने दवाई? पता नहीं, घर पे नहीं थे ना। आप लोग कहाँ पे थे? काम कर रहे थे। क्या नाम है बच्चे का? आज नाम। कहाँ की रहने वाली है? किले की रहने वाली। ये कहाँ पे आता है? इंदौर के पास में। इसने घर पे दवाई पी है? हाँ, घर पे थी। कौन सी दवाई पी? ओ, बकरी को कीड़ा मारने लाते थे। आपकी कौन है? बहन है। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी। संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज़। दबाओ।
दमोह शहर के मुख्य चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। महापुरुषों की प्रतिमा इसलिए लगाई जाती हैं ताकि लोग इनके आदर्शों पर चलकर समाज सेवा का काम कर सकें, संविधान का पालन कर सकें, अपने उत्तरदायित्व को निभाएं, कर्तव्यों की भी बात की जा सके। लेकिन दमोह में ऐसा नहीं है। दमोह में शासकीय विभागों के द्वारा प्रतिमाओं के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता। कहीं लाइट बंद हो जाती है तो कहीं गंदगी पड़ी रहती है। महापुरुषों की प्रतिमाओं पर काफी धूल जमा है लेकिन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं देते। दमोह नगर के घंटाघर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर काफी धूल जमी हुई है। अगर आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर कभी झाड़ू भी नहीं लगती है, जिसके चलते यहाँ पर चारों ओर डस्ट ही डस्ट नजर आ रही है। ऐसे में लोग लगातार नगर पालिका और जिला प्रशासन को कोसते नजर आते हैं। आखिर किसकी लापरवाही है, किसके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये काफी बड़ी बात है। वहीं दूसरी ओर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक, दमोह के जिला अस्पताल चौक पर जो प्रतिमा स्थापित है, वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा के चारों ओर जहाँ गंदगी है, लोग वाहन खड़ा कर देते हैं, तो वहीं नीचे काफ़ी धूल जमा है। यहाँ भी इसे देखकर लगता है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर सफाई नहीं की गई है। ऐसे में लगातार दमोह नगर पालिका के द्वारा महापुरुषों की उपेक्षाएँ की जा रही है, जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने इस देश को नई दिशा दी। आज ऐसे ही महापुरुषों की दमोह नगर पालिका के द्वारा उपेक्षा की जा रही है। देखने लायक होगा खबर दिखाए जाने के बाद कब तक नगर पालिका इस व्यवस्था को दुरुस्त कराती है। नगर पालिका द्वारा हमारे महापुरुषों के यहाँ साफ सफाई नहीं की जा रही है, जो कि चारों ओर गंदगी है। आप गांधी जी की मूर्ति देख सकते हो, बाबा साहब की मूर्ति के यहाँ देख सकते हो, चारों तरफ गंदगी फैली है, फिर भी नगर पालिका इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और सभी छात्र संघ के द्वारा हम लोग इसकी मांग करते हैं कि सफाई होना चाहिए। अगर गंदगी है, अगर नहीं होगी तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे और ज्ञापन देंगे। संजय सरवरी, लखीडीसिया न्यूज, दबाव। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर अटल जी के फैन पत्रकार अटल राजन जैन ने जरूरतमंदों को ब्लड डोनेट किया। आइए क्या है रिश्ता अटल जी से अटल राजन जैन का, देखें ये स्पेशल रिपोर्ट। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। जी हाँ, ये तस्वीर देखकर शायद यही कहा जाएगा, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और दमोह के अटल राजेंद्र जैन उनके दीवाने हैं, उनके फॉलोवर हैं। उनके जन्म दिवस पर आज उन्होंने ब्लड डोनेशन किया। यूं तो उनका जो डेली रूटीन है, पहले तो वो आकर अटल जी की प्रतिमा को नमन करते हैं, फिर अपने पत्रकारिता का कार्य अपनी टेबल पर बैठकर करते हैं। लेकिन आज उन्होंने अपने कार्यालय से सीधे पहुंचकर जिला अस्पताल में ब्लड डोनेशन किया, वो भी अपने साथियों के साथ। आखिर अटल बिहारी से दमोह के अटल का क्या है रिश्ता, आइए बताते। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई ना कोई किसी न किसी शख्सियत से प्रभावित होता है। कोई हीरो का दीवाना होता है तो कोई अपनी मोहब्बत का। लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से दमोह के अटल, जिनको के दमोह के लोग राजेंद्र जैन अटल के नाम से जानते हैं, वो इस कदर प्रभावित हैं कि उनके जन्म दिवस पर आज उन्होंने ब्लड डोनेशन किया। न सिर्फ ब्लड डोनेशन किया, उनकी अगर हम दीवानगी की बात करें तो ये मैं खुद उनकी जबानी सुनूंगा और आपको भी सुनाऊंगा। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और जैसा कि देखा गया कि आप बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाते हैं, आज क्या कुछ किया है? आज अटल जी की 99वीं जन्म जयंती है और इस अवसर पर 11वीं बार मुझे रक्तदान करने का सौभाग्य मिला है। खुशी की बात है कि रक्तदान किया और एक जरूरतमंद भी सामने आ गया, यानी लगता है रक्त का सही उपयोग हो गया। अटल जी से प्रभावित होकर जीते जी रक्तदान और मृत्यु उपरांत नेत्रदान का मैं संकल्प लिए हुए हूँ, यानी मृत्यु के उपरांत में नेत्रदान भी करूंगा और हमारे जो साथी हैं उन लोगों ने भी इस चीज को लेकर फार्म भरे हुए हैं और अटल जी हम लोगों के हीरो हैं, हीरो थे और हीरो रहेंगे। अटल जी आपके प्रेरणा स्रोत हैं,
हमने सुना है कि आपने भी शादी न करने का फैसला अहद किया था। और निश्चित रूप से अटल जी के जितने भी फॉलोवर थे, फैन थे, वो अटल जी की तरह अविवाहित ही रहना चाहते थे और ऐसा किया भी है बहुत सारे लोगों ने। लेकिन अटल जी जब पहली दिन 13 दिन को प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने आह्वान किया, फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री ने तब आह्वान किया और अंतिम बार जब प्रधानमंत्री बने उस समय उन्होंने अलग से सार्वजनिक रूप से आह्वान किया कि उनके जो भी प्रशंसक है वो उनकी तरह अविवाहित नहीं रहे, अपने परिवार को आगे बढ़ाए। और उनकी प्रेरणा से फिर मैंने 2005 में अटल जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को अपना शादी समारोह आयोजित किया, अटल जी को भी उसमें आमंत्रित किया, लेकिन अस्वस्थता की वजह से अटल जी नहीं आ पाए। लेकिन कुछ दिन बाद जब उनका शुभकामना संदेश मिला तो ऐसा लगा कि साक्षात अटल जी आ गए हैं शुभकामना संदेश के रूप में। अजीब इत्तेफाक है कि जन्मदिन के दिन आपने अपनी शादी की भी तारीख रखी, यही वजह रही कि उनसे प्रभावित होने की? निश्चित रूप से अटल जी उस समय ऐसे राजनेता थे 80 और 90 के दशक में कि उनकी कोई काट नहीं थी, उनकी रचनाओं को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती थी। वह जो पत्रकारिता करते उससे प्रभावित होकर ही लेखन हमने शुरू किया था। अटल जी के नाम पर उस समय अखबार निकालने का भी मौका मिला। क्या नाम था उसका? अटल मीमांसा के नाम से 1998 में अखबार निकाला था, साप्ताहिक अटल मीमांसा, उसके अंक अभी भी रखे हुए हैं। लेकिन अखबार निकालना आज के दौर की तरह उस समय भी आसान नहीं था, लेकिन 2018 से अटल जी के नाम पर अटल न्यूज 24 चैनल और न्यूज पोर्टल का संचालन लगातार कर रहे हैं। सर, कैसा लगता है जब लोग अटल जी के नाम से संबोधित करते रहे हैं और आज भी करते हैं? बहुत ही गौरव और गर्व का अनुभव होता है, क्योंकि अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत रत्न रहे हैं। हम तो उनके उस समय से फैन रहे हैं जब एक सामान्य सांसद थे, लेकिन जब भी उनकी गाथा सुनते हैं, उनके विदेश मंत्री रहने की बात, राष्ट्र संघ में जाकर हिंदी में संबोधन की बात, उनकी कविता, अन्य चीजें, तो अपने आप प्रफुल्लित मन हो जाता, अपने आप हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। इतना जरूर है कि 2018 में 16 अगस्त को जब उनकी निधन की खबर सुनी तो अपने आप को नहीं रोक पाए और हम भी दिल्ली गए, अंतिम संस्कार में शामिल हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आज भी अटल जी की यादें मन में कुछ इस तरह बसी हुई है कि जैसे कोई अपना चला गया हो। जाना सभी को होता है, लेकिन अटल जी का जाना ऐसा लगता है कि उनकी कमी को आज तक कोई राजनेता पूरी नहीं कर सकता। तो ये थी कहानी दमोह के अटल की, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दीवाने हैं राजेंद्र जैन अटल, जिनको के दमोह के लोग भी उनको दमोह के अटल के नाम से जानते हैं। और आज उनके जन्म दिवस पर इन्होंने ब्लड डोनेशन किया है, न सिर्फ इन्होंने बल्कि इनके साथियों ने भी। शायर नैयर दमोही ने कहा है कि आदमियत सराहती है दिल सभी के वो जीत लेता है, आदमियत सराहती है दिल सभी के वो जीत लेता है, उससे बढ़कर नहीं कोई दानी जो दूसरों को खून देता है। ऐसे हैं दमोह के राजेंद्र जैन अटल और अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति उनकी दीवानगी। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। आज सारे देश और दुनिया के साथ दमोह जिले में भी प्रभु यीशु का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। क्रिसमस पर्व पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। दमोह के चर्च भवन में विशेष आराधना संपन्न हुई। आराधना में अवश्य उपस्थित हूँ। 1 जनवरी को इसको शॉपिंग वगैरह करना है, नए चार्ज की तैयारी करना है। हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से प्रभु सामने रुकी है 89,000 वाजा है, आत्मा सच्चाई से उसकी महिमा करें। हम अपने स्थानों पर खड़े
खुशी खुशी मनाओ वो लेली तब तारा मनाओ खुशी खुशी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए वास्तविक हो, हमारी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे और हम अधिकता से अटलता से निर्भीकता से उस प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते रहे। मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अपने प्रियो से मिलेंगे, परमेश्वर से मिलेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके राज्य में प्रवेश करेंगे जिसका कोई अंत नहीं, जहां हम सब आनंद से रह सकेंगे। परमेश्वर हमें इस बात की समझ दे गहराई से। और हम आज सारे विश्व में क्रिसमस मनाया जाता है जिसमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस के रूप में कि जब प्रभु यीशु मसीह का अवतरण इस संसार में हुआ और किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उद्धारकर्ता बन करके आया और लिखा हुआ है कि सारे जगत के लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के गुणों को प्रभु यीशु मसीह ने जी करके दिखाया, यहाँ तक कि मृत्यु को परास्त किया और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है और सारे संसार के लिए उद्धार देने के लिए, सारे संसार को जोड़ने के लिए। और किस प्रकार से परमेश्वर ने जब हमें ज़िंदगी दी तो उसकी जीवन शैली हमारी कैसी होना चाहिए ये दर्शाने के लिए और व्यक्ति का परमेश्वर से संबंध, व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। इसी बात को मनाने के लिए आज पूरा समाज और सारे समाज के लोग जमा हैं कि हमारे शहर में एकता रहे, सद्भावना रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रहे। यही प्रभु यीशु मसीह की भावना है। तमो नगर के किल्लाई नाके के समीप माँ कीर्ति परिषद में संगीत में श्रीमद भागवत कथा चल रही है। कथा में गत दिवस भगवान की शादी हुई थी, ये प्रसंग भी सुनाया गया था। वहीं आज भी बड़ी संख्या में लोग भगवान की अमृतमयी कथा सुनने के लिए पहुंचे। अग्रवाल परिवार के द्वारा ये आयोजन कराया जा रहा है, बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जैसे ही महाराज भगवान चले हैं, सुदामा जी स्कूटी को लेकर के चले हैं, विचार करते हैं कि नगरी तो बड़ी दूर है, इस नगरी भगवान के द्वार का जिसके पास जाकर के कैसे पहुंचा जा सकता है। चलते चलते महाराज नीचे आ रहे, महाराज पैर भी फफोल गए, जो फफोला होते वो भी फूट जाते, रक्त रंजित भी पैर हो जाते हैं। लेकिन सुदामा जी भगवान का भजन कर शरीर का ही भान नहीं है महाराज। हरे राम हरे राम नारायण करते करते महाराज सुदामा जी बड़े चलते हैं और जैसे बारम्बार विचार किया महाराज, सुशीला कहती है जो मैं धन दे रही हूँ हमारे कन्हैया को ये सौंपना और अवश्य बतलाना ये संदेशा। भाभी जी ने कहा है कि एक मास दो पात में दो एकादशी होए सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोए। हे प्रभु, लोग तो केवल महीने में दो ही बार करते हैं क्योंकि पक्ष बदलता है, पक्ष में एक दिन एकादशी तिथि आती है, जो एकादशी तिथि का रहता है भाई, पांच कर्मेंद्रियां पांच ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इनको साथ में लेकर के एकादश व्रत कर करके एकादशी का व्रत करता है और सतत भजन करता है महाराज। लेकिन हमारे घर की स्थिति तो देखो महाराज, और हर समय पांच इंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां और एक मन को बस में कर करके कि जो कुछ है प्रभु आप ही हैं, आपके सिवा महाराज मेरा जीवन में कोई है ही नहीं, केवल आपका ही सतत भजन, जो कुछ है आप हैं, आपको ही सब कुछ माना महाराज। और हाल तो यह महाराज, सुदामा जी जब जाते हैं तो एक मुहूर्त जब तक एक गाय का दोहन काल होता ना उतने समय से ज्यादा भी नहीं रुकते, जब याचना के लिए जाते कहीं जितने भी गौ का दोहन हो जाए उतने समय तक भी नहीं रुकते महाराज, कम समय रुकते, दूसरे घर को बढ़ जाते। व्यक्ति घर के अंदर से भिक्षा पात्र लेकर के आ पाए या ना आ पाए, सुदामा जी उतने देर तक निहारते नहीं थे। 11 बार भगवान का कीर्तन करना और 11 बार कीर्तन करते हुए यदि कोई याचना लेकर के आ गया तो उसको स्वीकार कर लिया महाराज, और यदि 11 मंत्र जप किया 11 के बाद तो महाराज सुदामा जी रुकते ही नहीं थे, सुदामा जी स्वतः आगे बढ़ जाते थे। ऐसा जीवन महाराज, यही याचना करते कि भगवान का कैसे मैं सतत पूजन कर पाऊं। तुलसी पत्र को लेकर के पुष्पों को लेकर के महाराज सत्यम 1000 नाम से
भगवान का अर्चन किया करते भगवान। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। तथा चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नाबालिग से बलात्कार, पुलिस में मामला दर्ज, कार्रवाई शुरू। दमोह में सर्दी का टॉर्चर, तो भाई घने कोहरे के कारण लोग हो रहे परेशान। नाबालिग के हाथ में फटा बम। क्रिसमस पर्व पर दमोह के चर्च भवन में की गई विशेष आराधना, एक दूसरे को दी गई शुभकामना। ये थे अभी तक की कुछ खास खबर। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। उसके पहले अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप बूंदा बहु मंदिर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं बूंदा बहु मंदिर में अनुपस्थित हूँ, नहीं मिल पा रहा हूं, तो वहां पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप राशिफल देख रहे हैं, इसमें भी मेरा नंबर डिस्प्ले पर आ रहा है, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष। मेष राशि के जातकों को आज का दिन फिर अच्छा है। आज आप कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता को प्राप्त करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी आज उत्तम होगा। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन फिर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आपकी भाइयों से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित गिरावट भी आज हो सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन शिव आराधना करें, सब कुछ अच्छा होगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टालें। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप भी आज बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि। आपका राशि स्वामी चंद्रमा आपके अनुकूल है। आज आपको बहुत सुख प्राप्त होने वाला है। धन का लाभ भी होगा। पारिवारिक कोई मांगलिक कार्य भी घर में सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा हानि भरा हो सकता है, लेकिन व्यापार आपका अच्छा होगा। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको शाम तक हो सकता है। कन्या राशि। आज आपकी चिंता दूर होगी, तनाव मुक्त होंगे आप, मन में प्रसन्नता आज फिर रहेगी आपको। आज फिर आपको धन लाभ के अच्छे योग हैं। सातवीं राशि तुला। आपके लिए दिन अच्छा है। आप कार्य क्षेत्र में सफलताओं को प्राप्त होंगे। मन में जो आप कार्य विचार रहे हैं, सोच रहे हैं, वह भी आपका सफल होगा। राशि स्वामी शुक्र आपके अनुकूल है। वृश्चिक राशि के जातकों को भी आज का दिन अच्छा है। आज पुनः आप कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। भाइयों में आपको सहयोग प्राप्त होगा। घर में भी आपके कोई विशेष मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकता है। धनुराशि के जातक आज आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप प्रॉपर्टी का कार्य अगर करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ के योग हैं। थोड़ी सी सावधानी आप मित्रों से संबंधित रखें, उसमें आपको हानि होने के योग हैं। शिव आराधना करें, लाभ होगा। मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा तनाव भरा हो सकता है। आप हनुमान जी की आराधना करें। अगर शिव मंदिर पास में तो शिव मंदिर में जाएं, आपको लाभ होगा। 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य से संबंधित हानि हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में भी आप सफल होंगे और इसके साथ साथ धन लाभ के भी आपको योग बन रहे हैं। अंतिम राशि मीन। मीन राशि के जातकों को आज का दिन विद्या लाभ के अवसर प्राप्त कराते हुए दिख रहा है। नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित भी आज आपको योग हैं। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।